दिल्ली NCR में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हाल ही में गुरुग्राम में प्रशासन ने कई दुकानों को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई अवैध कब्जेदारों के खिलाफ की गई है, जिसमें प्रशासन ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि अवैध कब्जे पर जुर्माना भी लगाया है। HSBP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने मंगलवार से बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पहले दिन सेक्टर 14 के बाजार में 5 मेज और स्टॉल को JCB से तोड़ा गया। इस अभियान का उद्देश्य बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करना है, ताकि व्यापारियों और ग्राहकों को सुविधा मिल सके। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा कब्जा मिला तो उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना दूसरी बार भी लागू होगा और तीसरी बार में दुकान को सील कर दिया जाएगा। ये सख्त नियम दुकानदारों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे ही तोड़फोड़ दस्ता बाजार में पहुंचा, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदारों ने तुरंत अपने सामान को अंदर रखना शुरू कर दिया, जबकि कई रेडी पटरी लगाने वाले दुकानदार सामान लेकर भाग गए। इस स्थिति से पता चलता है कि प्रशासन की कार्रवाई का दुकानदारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अजमेर सिंह HSVP के उपमंडल अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 7 एक्सटेंशन 10A, 15, 17, 21, 23A के बाजारों को जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ये स्पष्ट है कि प्रशासन का रुख अतिक्रमण के खिलाफ है और वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। बता दें कि दिल्ली NCR में पिछले कुछ महीनों में गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में कई बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। इस दौरान अरबों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।